हेलो दोस्तों, मेरी नई सी वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे वीडियो को करें लाइक और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और ये देखिए, आज हम बनाने जा रहे हैं पेंगासियस फिश, जिसको पंगास और प्यासी मछली भी बोलते हैं। और ये बहुत ही फैटी फिश होती है, इसके अंदर कांटे बहुत ही कम होते हैं और ये आसानी से हर जगह आपको मिल जाती है। पहले इसको हम अच्छे से करेंगे फ्राई, उसके बाद इसकी बनाएंगे एकदम मस्त सरसों वाली ग्रेवी, और फिर आपको एक एक प्रोसेस हम अच्छे से आपको दिखाएंगे। और आप हमारे वीडियो पे ज़रूर कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए, हमने ले लिए ये 2 kg एकदम प्यासी मछली, जिसको पेंगासियस भी बोलते हैं, और ये अच्छे से हमने धो लिए एकदम क्लीन चिट। आपको भी ऐसे ही एकदम धो लेना है कि एक एक पीस एकदम बहुत बढ़िया से साफ़ हो जाए, इसके अंदर से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी अगर आप अच्छे से धोएंगे इसमें आटा और नमक लगा के। तो सबसे पहले हम फ्राई का प्रोसेस करते हैं चालू। तो इसमें हम डाल देंगे नमक, हल्दी, मिर्च, और ये हमने बना रखा है सरसों लहसुन का पेस्ट, तो इसमें से हम 1 चम्मच डाल देंगे। और उसके बाद इसमें अच्छे से हम इसकी मसाज कर देंगे, जिससे हमारा मसाला चारों तरफ मिक्स हो जाए। इसके अंदर हमें हैवी मसाले बिल्कुल भी नहीं डालने, बहुत ही कम मसाले डालने, क्योंकि फ्राई करते हुए मसाले जलते भी हैं। तो कर देते हैं हम अपना गैस स्टार्ट, इसके ऊपर रख देते हैं हम अपनी फ्लैट कढ़ाई। इसके अंदर फ्राई करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि हम आसानी से पलट लेते हैं। तो एक एक पीस करके हम आराम से डाल देंगे, और थोड़ा बच के भी डालना है, क्योंकि ये मछली थोड़ी फटती है तो तेल वेल भी आपके ऊपर आ सकता है। तो थोड़ी हीट को कर देनी है एकदम कम, और उसके बाद हमें इसको अच्छे से डाल देना है पीस को। और 5 मिनट बाद जब ये पकने लग जाए एक तरफ से, तो हमें पलट देना है, और फिर सेम वही करना है हमें 5 मिनट बाद। फिर दोबारा हमें दूसरी साइड इसको पलट के देख लेना है कि जब इसके ऊपर अच्छे से कलर आ जाए, तो हम एक एक करके सारे पीसेस को बाहर निकाल लेंगे। और ये देखिए कितना बढ़िया एकदम क्रंची फ्राई हुए हैं ये पीस। और हम फ्राई इतना बढ़िया करेंगे, जिससे हम ग्रेवी में डालेंगे तो हमारे पीस टूटेंगे नहीं बिल्कुल भी। और ये बहुत ही, आप इसको डायरेक्ट वैसे भी खा सकते हैं, तो थोड़े से बचे में वो हम डाल देंगे। ऐसे कर करके आपको जितनी भी मछली आपने बनानी है वो सारी आप फ्राई कर लें। और लास्ट में ये मछली के पेट से निकलता है तेल, और ये काफ़ी मोटा एकदम दिख रहा है आपको, तो इसको हम एकदम स्लो हीट पे हल्का सा बाहर से बस इसकी क्रस्ट फ्राई कर लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा फ्राई होगा नहीं, क्योंकि ये गलता जाएगा तो ये पूरा ऑयली बन जाएगा। तो बाहर से हम इसको बस उस लेवल तक ही फ्राई करेंगे कि बाहर इसकी एक क्रस्ट बन जाए। इसको भी हम निकाल लेंगे, और चलिए अब बनाते हैं हम इसकी ग्रेवी। तो सबसे पहले हमने ले लिया है मिर्च के अचार का तेल, और ये आपके पास होगा, नहीं तो आप नॉर्मल सरसों का तेल डाल दिए। उसके अंदर थोड़े से मेथी के दाने, और ये हैं कम से कम 4 से 5 छोटे छोटे कटे हुए टमाटर, और एकदम बिल्कुल देसी फ्रेश टमाटर हैं। और इसके अंदर डाल दीजिए नमक, और इसको अच्छे से करनी है आपको भुनाई, और ये इसको आपको अच्छे से गलाना है। तो धीरे धीरे ये आप होने दीजिए, और इसको धीरे धीरे चलाते रहिए, और चेक करते रहिए कि कब तक गल रहा है कब तक नहीं गल रहा है। और ये ऐसी फुल हीट पर ही बनानी है हमें, हीट कम नहीं करनी है। इसमें हम डाल देंगे देगी मिर्च लगभग 1 चम्मच के हिसाब से, और आधा चम्मच डाल देंगे इसमें हल्दी पाउडर। और उसके बाद हम इसको अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे, जिससे हमारा कलर आएगा एक नंबर एकदम तगड़ा सा। और ये देखिए चटक कलर के लिए, ये बस कलर का ही काम करती है, इसके अंदर कोई तीखापन नहीं होता। और बाद में हम इसने जो बनाया है ये सरसों का और लहसुन का पेस्ट, ये सारा हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। ये आपको डिस्क्रिप्शन में पूरे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मिल जाएगी। और इसमें से थोड़ा सा बच गया था, तो उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से उसको साफ़ करके इसके अंदर ही डाल देंगे। और इसमें हम डाल देते हैं 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर, क्योंकि ये बहुत तेज़ है, और 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर, और इसमें से आधा चम्मच डाल देंगे हम ये गरम मसाला। और ये बस इतने ही मसाले हैं, अब इसकी हमें करनी है अच्छे से भुनाई, और फुल हीट पे ही रखना है, और ये देखना है कि हमारा मसाला जले ना। और इसको लगातार हमें चलाते रहना है चारों तरफ। ये देखिए ये पूरा एकदम आपस में मिक्स हो गया है, और ये धीरे धीरे इसकी हम फुल हीट पे ही भुनाई करेंगे, तो ये तेल सेपरेट होने लग जाएगा, और जितना अच्छा हम भुनाई करेंगे उतना अच्छा होगा। और ये है मिर्च का अचार, थोड़ी खटास के लिए, तो हमने इसके अंदर डाल दिया है। साउथ में लोग इमली यूज़ करते हैं, तो हम इमली का टेस्ट हमें उतना अच्छा नहीं लगता, तो हम ये मिर्च का अचार होता है वो यूज़ करते हैं। और ये देखिए इसकी हो रही है कितनी बढ़िया से भुनाई, तेल भी हल्का हल्का सेपरेट होना शुरू हो गया है, लेकिन हमें और थोड़ी इसकी भुनाई करनी है, और इसकी पूरी महक आपके घर में फैल जाएगी जब ये इसका मसाला भुन के एकदम रेडी हो जाएगा, और ये कढ़ाई छोड़ने लग जाएगा, ये चिपकेगा नहीं फिर कढ़ाई में। उसके बाद हमें ऐसे ही
कलछी चलाते रहनी है चारों तरफ, और तेल तो आप देख ही रहे हैं कितना बढ़िया से सेपरेट हो रहा है, मतलब इसका मतलब हमारा मसाला एकदम बढ़िया से इसकी हो रही है भुनाई। और जब भुनाई होने के बाद एकदम आप पानी गर्म करके रखिए कम से कम 1 लीटर के आसपास, जितनी आपको तरी बनानी है इसकी ग्रेवी, और इसके अंदर हमें ऐड कर देनी है एकदम खौलता हुआ उबलता हुआ पानी। और ये अच्छे से हम डाल देते हैं और फुल हीट पे इसको अब हमें पकाना है। जब इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी एकदम बढ़िया, उसके बाद फिर हम डालेंगे इसके अंदर फ्राई फिश। तो आप अब चेक कर लीजिए कि कितना होगा। और ये देखिए, ये रखी है हमारी फ्राई फिश, और ये है फिश हेड जिसको मूड़ा भी बोलते हैं बिहार में, और ये एकदम बिहारी स्टाइल फिश करी है एकदम सरसों वाली। और ये एक एक करके हम सारे पीस इसके अंदर डाल देंगे, और बड़े ध्यान से डालना है आपको कि इतना मतलब केयरलेस हो के नहीं डालना है कि उससे पीस हमारे टूट जाएंगे। तो धीरे धीरे करके हम सारे पीस इसके अंदर डाल देंगे, जितने हमें डालने हैं ग्रेवी में उतने ही डालेंगे, और बाकी हम इसे फ्राई भी खाते हैं तो फ्राई के लिए हम अलग से रख लेंगे पीस। तो ये सब डाल देंगे, और उसके बाद हमें लगभग इसको 5 से 10 मिनट पकाना है, जिससे हमारी ग्रेवी है और जो हमारे मसाले हैं इतने प्यारे वो इसके अंदर धीरे धीरे चले जाएंगे, और उससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा दुगना हो जाएगा। और ये देखिए, धीरे धीरे पूरी कढ़ाई भर चुकी है मछली से, और ग्रेवी भी जितनी हमने बनाई थी उसके हिसाब से बहुत सही बनी है, ना ज़्यादा ग्रेवी हुई है और ना कम हुई है, एकदम परफेक्ट ग्रेवी हुई है। बस इसे स्लो हीट पे कम से कम 5 से 7 मिनट तक अच्छे से इसको उबलने देना है, ऐसी एकदम लो टेम्परेचर करके, और उसके बाद फिर हम लास्ट में दिखाएंगे आपको, इसको हम गार्निशिंग करेंगे बढ़िया से। तो ये देखिए, धीरे धीरे एक एक पीस इसकी तरी पी रहा है, और लास्ट में देखते हैं कि हम इसके अंदर, हमको ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं मिलाना है इसके अंदर, और ये खाने में भी बहुत मज़ा आता है इसको। तो ये देखिए, बिहार के हर ज़िला और रीजन में मतलब हर एक तरीके से थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनती है फिश करी, तो ये हमारे तरफ ऐसे ही बनती है फिश करी। तो लास्ट में इसको हम गार्निशिंग कर देंगे एकदम धनिया पत्तों से, और एकदम बढ़िया से, और इसका टेस्ट एकदम और भी ज़्यादा बढ़िया है, और ये दिखने में भी बहुत तगड़ी है। बस इसको अब बंद कर देना हमें गैस, और इसको खाने के लिए है बिल्कुल तैयार ये। और ये थोड़े बिहाइंड द सीन्स हैं, इसको फ्राई करते समय आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि इसका तेल फटता है, तो आप थोड़ा केयरफुल इसे करें फ्राई, और नहीं तो आपका मुंह भी जल सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप ये ट्राई करके देखें, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। तो चलिए, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब।